मतलब हमने सबको इनवाइट किया था, कंपनी ने हमें इनवाइट किया था कि आज हम यहाँ पे सक्सेस की कुछ बातें आप करेंगे, सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसा ही एक सक्सेस का हैप्पीनेस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी, मैं स्टेज पे आई बहुत बड़ी बोलती हूँ, और मैं मतलब मैं वही चीजें बोलती हूँ जो मैं सोचती थी और फिर वो मेरी पूरी भी हो गई। मैं ना हमेशा से डिनर पार्टी का नाम सुनती थी कॉलेज में, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को बोलती थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसमें कह रहे हम अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ डिनर पार्टी पे जाएंगे। मैंने अच्छा भाई डिनर पार्टी, बहुत बड़ी डिनर पार्टी होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद शादी हुई, मिडिल क्लास फैमिली से थे, हमें कभी पापा डिनर पार्टी पे नहीं लेके गए और हम कभी गए भी नहीं। मैंने सोचा बड़े बड़े लोगों की बातें होती, उस टाइम की बात है ये 2012 की। फिर शादी हुई, फिर शादी में जो होते हैं ना रिलेटिव में जो बड़े बड़े अमीर होते हैं वो बोलते हैं कि हम ना आज डिनर करने गए थे फलाने रेस्टोरेंट में, फाइव स्टार में, कुछ फाइव स्टार में भी डिनर करने जाते थे। तो मन में सोचती थी कि हैं ये बड़े अमीर लोग हैं और ये बाहर डिनर करने जाते, चलो ठीक है। मैंने डिनर पार्टी को एक्चुअल में इंजॉय किया और बहुत बहुत बड़े लेवल पे इंजॉय किया ओरिफ्लेम में, जो कि ओरिफ्लेम की जो डिनर पार्टी है उसका नाम होता है गाला नाइट डिनर पार्टी। और नाम ही सुनने में बड़ा बड़ा सा लगता है कि पता नहीं उसमें से क्या होने वाला है जिसमें गाला नाइट डिनर पार्टी है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस क्वालिफाई करी, बहुत सारे गाला नाइट डिनर ओरिफ्लेम के साथ इंजॉय किए, पर हर कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा पहले वाले से कुछ अच्छा होता है। ये बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हैं मतलब ये तो उससे भी अच्छा है, ये तो उससे भी अच्छा है। और हमेशा डिनर पार्टी का जो गाला नाइट का हमारा जो तैयारी है वो वहीं से शुरू हो जाती है जब हम बड़ा स्टेज था वहां पे, और फिर लोग उतर गए, फिर सेकंड बैच वहां पे स्टेज पे गया और मैं वहां पे मैं सबको देख रही थी कि कोई नॉर्थ से था, कोई नॉर्थ ईस्ट से था, कोई साउथ से, मतलब पूरे इंडिया से लोग थे और हर रीजन के लोग थे, अलग अलग टाइप के लोग थे, हर एज के लोग थे, यंग भी थे, थोड़े एज भी थे, थोड़ा मिडिल भी थे। और वहां पे जो लोग थे ना, अगर मैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे अपलाइन की सुपर अपलाइन बहुत सारे, सब अलग अलग बैकग्राउंड से, मतलब जिन्होंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, कुछ लोग ऐसे करोड़पति बने हैं जिनके घर की आमदनी एक महीने की बहुत कम थी, मतलब 100 रुपए भी दिन की आमदनी थी, वो भी आज करोड़पति के स्टेज पे खड़े हैं। ऐसे भी लोग करोड़पति बने हैं जो पहले से थोड़ा घर में ठीक ठाक थे, पैसे वाले थे, वो भी आज स्टेज पे खड़े हैं। कंपनी सबको करोड़पति बनने का मौका देती है, सबको इक्वल मौका देती है। आप शहर से हो, गांव से हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, थोड़े अमीर घर के हो, थोड़े से नॉर्मल फैमिली के हो, मिडिल फैमिली के हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने सोचा कि कभी मैं भी एक करोड़पति वहां पे खड़े। सोच जब आप दिमाग में सोचते हो ना, जब हम ये दूसरे को देख के सोच लेते हैं ना कि यार ये तो बहुत लकी होगा, इसकी किस्मत में होगा ये बन गया, पर ऐसा नहीं होता। जब हम सोचते हैं और वो सोच को बार बार दिमाग में वो आती है तो वो आप उस पर एक्शन लेते हैं तो वो सच भी होता। और मैं हमेशा सोचती थी जब मैं बहुत छोटे लेवल पे थी, डायरेक्टर थी, मैनेजर थी, जब स्टेज पे जो आगे रो में सारे बड़े लीडर्स बैठे, मैं इनको बहुत ध्यान से सुनती थी, एक एक वर्ड्स इनका सुनती थी और मैं सोचती थी कि मैं भी एक दिन यहाँ पे आऊंगी और बहुत जल्दी मैं उनके साथ उनके बगल में स्टेज पे खड़ी होगी करोड़पति क्लब में। एक मैंने वहां पे लर्निंग ली, गाला नाइट पार्टी थी और वहां पे लाइव बैंड था, मतलब अच्छा लाइव बैंड था वो, और बहुत फुल म्यूजिक और खूब सारी मस्ती हो रही है और वहां की लेडी के डांस में सब देख रही थी, मजे आते हैं, खुद नाचना आए ना आए दूसरों को देख के बहुत मजा आता है। मतलब ना मैं देख रही थी, मेरी टीम के भी लोग थे, कुछ क्रॉस लाइन हमारा नेटवर्क, अदर सारे लोग, सब ना ऐसी छोटी छोटी फैमिली से आए, कुछ ऐसी भी लेडीज आई हैं जो फॉर्मर फैमिली से हैं, जो घर में गाय भैंसों का भी काम करते हैं, खेतों का भी काम करते हैं, मतलब बहुत। और वो ऐसे इंजॉय कर रहे हैं ना गाला नाइट की ड्रेस पहन के, कि मतलब उनको लग के आज वही सेलिब्रिटी है उस लाइव बैंड के साथ। और उस लाइव बैंड में पता नहीं भाई वो क्या था, पर वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक बड़ी सी गन ली और उसमें ऐसे धुआं चला दिया और सारी की सारी लेडीज इतना एंजॉय करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आज ही वही सिर्फ उस गाला नाइट पार्टी की वही सेलिब्रिटी है, वही हीरोइन है। तो इसी चीज सीखने को मिलती है कि ओरिफ्लेम सच में लाइफ बदलता है, वहां पे आके सब भूल जाते हैं लोग सक्सेस को, जब सेलिब्रेट करते हैं कि मैं अपनी फैमिली में कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, सबको इक्वल, सबको खुश होने का मौका, सबको स्टेज पे जाने का।